हेलो गाइस, वेलकम टू सुमित व्लॉग 27। तो आज हमारे साथ में जो है बजट फ्रेंडली प्रीमियम सेडान कार होंडा अमेज, और आप एक देख रहे हैं इसका 2024 का VX वेरिएंट। तो चलिए शुरू करते हैं गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल से। सामने से देखने पे कार आपको ओवरऑल कुछ ऐसा लुक ऑफर करती है। ये आज हमारे साथ में वाइट कलर खड़ा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं, यहाँ पे आपको कौन कौन से फीचर मिलते हैं। यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ वाइपर वगैरह देखने को मिल जाएंगे जहाँ पे। और अगर इसकी जो है हेडलैम्प की सेटअप की बात की जाए तो इसमें आपको जो है साइड इंडिकेटर हाइलोजन में देखने को मिल जाएंगे, और इसके हेडलैम्प देखने को मिल जाएंगे आपको प्रोजेक्टर में, और नीचे की तरफ आपको DRL वगैरह देखने को मिल जाएंगे। और अगर इसकी ग्रिल की बात की जाए तो इसकी ग्रिल पे आपको क्रोम एलिमेंट का यूज देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा इसके एक्सटीरियर में प्रीमियम को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देती है। यहाँ पर आपको जो है सेंटर पर होंडा का लोगो देखने को मिल जाएगा, और इसका VX वेरियंट है तो यहाँ पर आपको जो है नीचे की तरफ फॉग लैम्प वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे, और क्रोम इंसर्ट का जो है यूज देखने को मिल जाएगा फॉग लैंप के पास में। और थोड़ा सा एरोडायनेमिक डिज़ाइन किया गया है इसके लोअर बम्पर को फ्रंट में। तो ओवरऑल इस गाड़ी की जो है चौड़ाई की बात करें तो गाड़ी की चौड़ाई 1695 मिलीमीटर है, यानी कि जो है 1695 mm गाड़ी की चौड़ाई है। अगर गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो भाई इसमें आपको जो है 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाएगा होंडा अमेज में। तो अभी फ्रेंड्स हमने गाड़ी को कवर कर लिया, अभी चलते हैं गाड़ी के जो है साइड प्रोफाइल की तरफ और आपको दिखाते हैं साइड से देखने पे कार आपको कैसा क्या क्या फीचर ऑफर करती है और कैसा क्या लुक ऑफर करती है साइड से। तो साइड से देखने पे होंडा में की ओवरऑल कुछ ऐसी लुक देखने को मिलेगा आपको, जहाँ पर आपको बॉडी कलर्ड ORBM देखने को मिल जाएंगे और फाइटर इंडिकेटर वगैरह देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको जो है अमेज की जो है बैजिंग देखने को मिल जाएगी, पूरा अमेज लिखा हुआ है। और इसमें ORBM की बात करें तो ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक फोल्डेबल और इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल ORBM मिलेंगे आपको गाड़ी में। ए और जो है बी पिलर आपको ब्लैकआउट मिल जाएगा, ए और सी पिलर आपको बॉडी कलर देखने को मिल जाएगा अमेज में। तो इसके व्हील्स की बात करें तो इसमें आपको जो है 15 inches के जो है डायमंड कट डुअल टोन व्हील देखने को मिल जाएंगे, जो कि फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलेंगी गाड़ी में, और रेयर में आपको जो है ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाएंगी कार में। और इसमें आपको जो है बॉडी कलर्ड जो है गेट ओपनर देखने को नहीं मिलेंगे, इसमें आपको जो है क्रोम एलिमेंट का यूज किया गया है। यहाँ पे आपको गेट ओपनर पे पूरा यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगा गाड़ी में। तो गाड़ी की अगर ओवरऑल लेंथ की बात करें तो इसमें आपको जो है 4595 mm, यानी कि जो है 3995 mm गाड़ी की पूरी लेंथ मिलती है। तो चलिए चलते हैं अभी गाड़ी के जो है रेयर की तरफ और आपको दिखाते हैं पीछे से गाड़ी कैसी है। गाइस यहाँ पे कोई ड्राइवर वगैरह नहीं है तो मैं आपको बैक प्रोफाइल जो है दूसरी कार की चेकआउट करवा दूँ अमेज की ही। तो आप सामने की तरफ देख रहे होंगे, सामने की तरफ लगी हुई है अमेज, जहाँ पे आपको कुछ ऐसे ही अमेज की ब्लैक बैक वाली थीम मिलेगी, जहाँ पे आपको एक तरफ अमेज की बैजिंग वगैरह देखने को मिल जाएगी, सेंटर पे होंडा का लोगो मिल जाएगा, और नीचे की तरफ IV Tech इंजन के साथ आती है ये गाड़ी, तो इसमें आपको IV Tech की बैजिंग देखने को मिल जाएगी, और LED बैकलाइट देखने को मिलेंगी, और साइड इंडिकेटर और रिवर्स पार्किंग जो है लैम्प जो है आपको जो है हाइलोजन में देखने को मिलेगी, 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे गाड़ी में। तो अभी चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में और आपको चेकआउट करवाते हैं गाड़ी में क्या कौन कौन से फीचर वगैरह देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए चलते हैं गाड़ी के, इसको करते हैं ओपन। अगर गाड़ी के इंटीरियर की बात करें तो इसमें आपको जो है इंटीरियर में ट्रिपल टोन देखने को मिल जाएगी, जहां पे आपको जो है बेज ब्लैक और जो है ग्रे एलिमेंट्स का यूज देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक फोल्डेबल और एडजस्टेबल ORBM के कंट्रोल मिल जाएंगे, यहाँ पे आप इसके पावर विंडो के कंट्रोल मिल जाएंगे, ड्राइवर हेड 1 टच अप डाउन का फीचर मिल जाएगा जो है मिरर का, यहाँ पे आपको बोतल होल्डर वगैरह मिल जाएंगे, यहाँ पे मैगजीन होल्डर, यहाँ पे आपको स्पीकर वगैरह देखने को मिल जाएंगे गाड़ी में। अगर गाड़ी के इंटीरियर की बात करूँ तो कुछ ऐसा इंटीरियर की थीम देखने को मिलेगी गाड़ी में आपको, यहाँ पर आपको हाइट और रिक्लाइन दोनों ही एडजस्टेबल सीट्स देखने को मिल जाएंगी कार की। तो यहाँ पे आपको जो है हेडलाइट लेवलर देखने को मिल जाएगा, यहाँ इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल कुछ इंटीरियर का ऐसा लुक देखने को मिलेगा। तो अभी बैठते हैं गाड़ी के अंदर और आपको दिखाते हैं यहाँ पे आपको जो है क्या क्या मिलेंगे फीचर्स। तो चलिए चलते हैं गाड़ी के अंदर और आपको दिखाते हैं।
की बात करें तो कुछ ऐसी हमें की देखने को मिल जाएगी कार में, जहाँ पे आपको लॉक और लॉक और जो है होल्ड करके रखेंगे तो बूट ओपन करने का फीचर देखने को मिल जाएगा। पुली स्मार्ट की, यहाँ पे पीछे की तरफ आपको होंडा का लोगो देखने को मिल जाएगा गाड़ी में, गाड़ी की की पे। तो चलिए बैठते भी गाड़ी के अंदर और आपको दिखाते हैं कौन कौन से फीचर देखने को मिल जाएंगे गाड़ी में। तो नीचे की तरफ आपको ABC पैडल देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको फ्यूल लेट ओपन करने के लिए जो है ये मिल जाएगा। नीचे की तरफ आपको जो है हुड ओपन करने का जो है बटन देखने को मिल जाएगा। तो चलिए बैठते हैं गाड़ी के अंदर और आपको दिखाते हैं। तो जैसे हम गाड़ी के अंदर बैठते हैं, सीट को कर लेते हैं एडजस्ट, तो पूरी पीछे की तरफ सीट है। तो कुछ ऐसा हमें स्टेयरिंग व्हील देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे पूरा कुछ ऐसा लुक मिलेगा गाड़ी में, जहाँ पे एक तरफ जो है आपको जो है पूरे मतलब इंफोटेनमेंट कंट्रोल मिल जाएंगे, कॉल जो है उठाने के लिए, कट करने के लिए, वॉइस कमांड के लिए मिल जाएंगे कंट्रोल। यहाँ पे आपको जो है इसका सेंटर पे होंडा का लोगो देखने को मिल जाएगा और जो है एयरबैग की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी यहाँ पे। यहाँ पे थोड़ा सा सिल्वर ट्रीटमेंट का यूज किया गया है, जो कि इसके जो है प्रीमियम है उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। यहाँ पे आपको जो है क्रूज कंट्रोल वगैरह देखने को मिल जाएगा। तो अगर इसके मीटर कंसोल की बात की जाए तो कुछ ऐसा हमें मीटर कंसोल देखने को मिलता है। तो चलिए यहाँ से हम करते हैं इसको बटन को प्रेस। तो यहाँ से हजार्ड लाइट को कर देते हैं बंद। तो कुछ ऐसी हमें थीम देखने को मिल जाएगी गाड़ी के जो है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, जहाँ पे आपको एक तरफ जो है RPM मीटर देखने को मिलेंगे और दूसरी तरफ जो है स्पीडोमीटर देखने को मिल जाएगा। सेंटर पे आपको कलरफुल MID देखने को मिल जाएगी, और जो कि काफ़ी सारे फीचर्स मतलब कि ट्रिप ए ट्रिप भी और एवरेज जो है सभी चीज़ें बताती रहेगी, टाइम वगैरह। तो एक तरफ जो है आपको इस तरफ जो है पूरे वाइपर के कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे और इधर की तरफ आपको जो है लाइट्स के कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे गाड़ी में, और इसमें आपको एडजस्टमेंट वगैरह कोई देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ नीचे की तरफ आपको जो है पूरा क्लाइमेट कंट्रोल AC देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको जो है होंडा की 8 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जो कि सपोर्ट करती है एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ब्लूटूथ ऑक्स सभी को। तो यहाँ पे काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे इसमें। तो कुछ ऐसे ही हमें इंटीरियर की थीम देखने को मिलेगी, यहाँ पे आपको ब्लैक टोन में, यहाँ पे थोड़ा ग्रे फिनिश देखने को मिल जाएगी। नीचे की तरफ आपको जो है ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाएगा गाड़ी में, नीचे की तरफ पूरे ग्लव बॉक्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे, और ऊपर की तरफ आपको जो है मैनुअली IRVM मैनुअली डिमिंग जो है IRVM मिल जाएगा। यहाँ पे जो है लाइट मिल जाएगी, जो कि हाइलोजन में है। और यहाँ पे अगर सनवाइजर की बात करें तो इसमें आपको मिरर वगैरह देखने को मिल जाएगा कार में, और ड्राइवर हेड की बात करें तो इसमें आपको कोई विनर मिरर वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, ओनली जो है टिकट होल्डर मिल जाएगा। यहाँ पे आपको फिक्स्ड ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको जो है सीट बेल्ट वगैरह देखने को मिल जाएंगी, और कुछ ऐसी थीम है गाड़ी की। यहाँ पे आपको जो है 12 वोल्ट का पावर आउटलेट देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे अगर आप जो है कनेक्ट करेंगे तो 5 वोल्ट का USB पोर्ट देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे भी आपको जो है USB पोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे 2 कप होल्डर देखने को मिल जाएंगे, थोड़ी सी स्पेस देखने को मिल जाएगी, और 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिल जाएगा कार में। यहाँ पे आपको जो है हैंड ब्रेक देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पे आपको जो थोड़ी सी स्पेस देखने को मिल जाएगी गाड़ी में, और ये स्लाइड कर सकते हैं, आर्मरेस्ट स्लाइड वाला फिक्स्ड नहीं है। तो अभी मैं आपको अगर रेयर कैमरे का लुक चेक करवाऊँ तो गाड़ी एकदम पीछे की तरफ लगी हुई है, और यहाँ पे कोई जो है ड्राइवर वगैरह नहीं है, नहीं तो मैं इसे आगे करवा देता और आपको बैक जो है प्रोफाइल चेक करवा देता, वैसे मैंने आपको चेक करवा दी। तो अभी चलते हैं गाड़ी इसको लगा करते हैं, पीछे वाला गियर लगाते हैं। तो कुछ ऐसी कैमरे की क्वालिटी देखने को मिलेगी हमें, जहाँ पे गाइडलाइन वगैरह शो की गई है, जहाँ पे कुछ ऐसा व्यू देख सकते हैं आप। तो ये एक्टिव गाइडलाइन नहीं है, बट जो है आपको गाइडलाइन देखने को मिल जाएंगी, यानी कि आप जैसे गाड़ी को आगे पीछे करेंगे तो मतलब कि जो है टू टू करके बीप करके आपको बता देगा, बट ये जैसे कि स्टेयरिंग व्हील करेंगे मतलब को ऐसे ऐसे घुमाएंगे इधर उधर, तो ये मतलब कि गाइडलाइन जो है चेंज नहीं होंगी। तो आगे से कुछ ऐसा था प्रोफाइल। तो अभी चलते हैं गाड़ी के पीछे की तरफ और आपको दिखाते हैं रेयर कंफर्ट वगैरह कैसा है। मैं बूट स्पेस वगैरह बता दूं आपको गाड़ी का, क्योंकि पीछे तो उसके लिए कोई ड्राइवर नहीं है। तो गाड़ी के इसमें आपको अमेज में 420 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिलता है। फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की बात करें तो इसमें आपको जो है 35 लीटर के तकरीबन फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है, और माइलेज इसका जो है 18 से 19 कंपनी क्लेम करती है। अगर आप इसे अच्छे से ड्राइव करते हैं तो आप इससे ज़्यादा भी माइलेज वगैरह ले सकते हैं। तो
यहाँ पे आपको डीआर जो है, रियर जो है, डिफॉगर वगैरह का जो कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे। यहाँ मैक्स कूल का जो ऑप्शन है, यानी कि आप इसे जैसे कि पोस्ट करेंगे तो मतलब गाड़ी आपको एकदम से ठंडी होने लगेगी। तो चलिए अभी चलते हैं गाड़ी के पीछे की तरफ और आपको दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ कम्फर्ट वगैरह कैसा है। तो चलिए रेयर डोर को करते हैं ओपन और बैठते हैं पीछे की तरफ। तो रेयर डोर की अगर प्रोफाइल आपको चेक करवाऊँ तो यहाँ पे आपको पूरा ब्लैक जो है, ब्लैक में आपको पावर विंडो डाउन करने अप करने के लिए कंट्रोल मिल जाएगा पावर विंडो का। यहाँ ग्रे फिनिश का यूज करते हुए आपको जो है गेट ओपनर देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको जो है नीचे की तरफ स्पीकर वगैरह देखने को मिल जाएगा, बोतल होल्डर वगैरह देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको लाइट की जो है इल्यूमिनेटेड जो है बैजिंग देखने को मिल जाएगी गाड़ी में। तो चलिए भी बैठते हैं गाड़ी के अंदर और आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है एडजस्टेबल हेडरेस्ट वगैरह देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको जो है लाइट देखने को मिल जाएगी गाड़ी में। और पीछे की तरफ आपको फिक्स जो है मिलेंगे जो हेडरेस्ट, कोई एडजस्टेबल नहीं मिलेंगे। यहाँ पे कोई आर्मरेस्ट वगैरह नहीं है गाड़ी में। यहाँ पे आपको सीट बेल्ट वगैरह देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको जो है पावर आउटलेट मिल जाएगा 12 वोल्ट का। कोई रेयर एसी वेंट वगैरह नहीं मिलेगा गाड़ी में, जो कि थोड़ा सा होता तो और भी अच्छा होता। तो अभी मैं बैठा हूँ गाड़ी के अंदर और मेरी हाइट जो है 5 फीट 4 इंचज़ है, तो आप देख पा रहे होंगे स्पेस वगैरह बढ़िया है। नी रूम वगैरह अंडर थाई सपोर्ट भी वगैरह आपको दिखाऊँ तो बढ़िया है। तो आपको गाड़ी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इससे पहले हम चलते हैं गाड़ी के जो है इंजन को चेकआउट करवा देते हैं, क्योंकि वही गाड़ी की जान होती है। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ ऊपर की तरफ आपको शार्क फिनिश एंटीना भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको डिफॉगर मिल जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा सेंटर माउंट स्टॉप लैंप देखने को मिल जाएगा। और पीछे से मैं चेकआउट कराऊँ तो कुछ ऐसे ही प्रोफाइल देखने को मिलेगी, जहाँ पे आप सेंटर पे होंडा का लोगो मिल जाएगा, उधर की तरफ अमेज की बैजिंग। यहाँ पे आपको जो है सी टाइप जो है बैक लाइट देखने को मिलेंगी, जो कि एलईडी में है। ये जब रात में जलती है तो बढ़िया लगती है। और यहाँ पे आपको जो है ये रिवर्स पार्किंग लाइट और जो है साइड टर्न इंडिकेटर हाइलोजन में देखने को मिल जाएंगे। और नीचे की तरफ आपको रिफ्लेक्टर वगैरह देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए अभी चलते हैं गाड़ी के आगे की तरफ और आपको दिखाते हैं। यहाँ से इंजन को करते हैं ओपन। इसमें आपको मिल जाता है 1.2 लीटर का जो है फोर सिलेंडर आईवी टेक टेक्नोलॉजी के साथ आने वाला जो है होंडा का जो है इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है आप 88 BHP की पावर और 110 न्यूटन मीटर का टॉर्क। तो अभी गाड़ी की मैं आपको ऑन रोड प्राइस वगैरह बता दूं। तो चलिए इसको करते हैं पहले बंद। तो इसको कर दिया मैंने बंद। तो अभी हम खड़े हुए हैं अराचली होंडा में, जहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा। तो यहाँ पे ये गाड़ी आपको तकरीबन पड़ती है, इसका जो है VX वेरिएंट है। तो ये गाड़ी आपको अराचली होंडा में पड़ती है, ये लखनऊ में जो है नियर CC एयरपोर्ट। यहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा। तो ये गाड़ी आपको यहाँ पर पड़ती है 10,36,300 रुपये की। तो आपको वीडियो